मिशन बेड़ा पोर्टल पर जो आप सर्वेक्षण परिवार प्रारूप की डिटेल भर रहे हैं, वो कैसे पता करेंगे कि आपने कितनी फीडिंग कर ली है? तो आइए वही जानते हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। इस तरह से पोर्टल पर आ जाने के बाद बैंक डेटा अपलोड पर क्लिक करना है। टीचर लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ कोई एक ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। उसके बाद अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर भरेंगे और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। सेंड ऑथेंटिकेशन SMS भेजने के बाद OTP जो आएगा वो भर के लॉगिन कर लेंगे। इस तरह से यहाँ डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। लेफ्ट साइड में नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ आपको सर्वेक्षण परिवार हेतु प्रारूप पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर सर्वेक्षण परिवार हेतु प्रारूप ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने जितनी भी एंट्रीज की होगी वो यहाँ पर दिखेंगी। नीचे स्क्रॉल करके और भी एंट्रीज आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर किसी साथी ने यहाँ पर अभी 3 ही कैंडिडेट की एंट्री की हुई है तो यहाँ पर दिखाएगा। इस तरह से आप जितने भी कैंडिडेट की एंट्री कर चुके होंगे तो यहाँ पर जो मेन है मुखिया का नाम शो करेगा। यहाँ लेफ्ट साइड में इसे इस तरह से स्क्रॉल करेंगे। अगर आप उसकी पूरी डिटेल देखना चाहते हैं या उस परिवार का कोई कैंडिडेट छूट गया है या कोई बच्चा छूट गया है तो यहाँ पर देखिए सदस्य भी आप जोड़ सकते हैं, बाद में बच्चे भी जोड़ सकते हैं। और यहाँ पर जैसे आप सदस्य के नीचे जो ऐड लिखा हुआ है इस पर क्लिक करते हैं तो उनके परिवार की टोटल डिटेल दिख जाएगी। आइए इस पर क्लिक करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर मुखिया की जानकारी यहाँ पर दिख जाएगी और नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर उन कैंडिडेट की जानकारी दिख जाएगी जो आपने मुखिया के परिवार की जानकारी भरी होगी। और यहाँ पर आप सदस्य को जोड़ सकते हैं जो 14 वर्ष से ज़्यादा हो, यहाँ सदस्य जोड़ पर क्लिक करेंगे अगर कोई रह गया है तो। इसी तरह से बच्चा अगर जोड़ना चाहते हैं तो बच्चे के नीचे जो ऐड आ रहा था उस पर क्लिक करेंगे, जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से तो आप जो अपनी डिटेल भरी है वो सारी डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद जब आप पूरा सर्वे कर लेते हैं, पोर्टल पर अपडेट कर देते हैं, फीडिंग कर देते हैं, तो उसके बाद आप चाहें तो अपनी पूरी रिपोर्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ जो प्रिंट वाला ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करके अपनी ये टोटल रिपोर्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं।